जब तक शॉर्टिंग हमने किया था उसकी मदद से हम आज एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है? एक प्रोजेक्ट करेंगे उस शॉर्टिंग की मदद से हम। तो प्रोजेक्ट क्या है? तो हम ऑफिस में अपना काम सबसे पहले इससे करते हैं, अटेंडेंस से करते हैं। तो चलिए अटेंडेंस को ही मेंटेन करना सिखाते हैं, और उसमें हम उसकी ऑटोमेशंस और फॉर्मेटिंग के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप 5-7 लोगों का या फिर जो 10-20-50-100 लोगों का अटेंडेंस मेंटेन करो, तो आप उस अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो चलिए अटेंडेंस हम के लिए आपके सामने मैं एक अटेंडेंस का ऑटोमेटेड फॉर्मेट बनाता हूँ, जिससे हमें कम से कम मैनुअल वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ऑटोमेट कर पाएंगे। ये आपके साथ सिखा रहे हैं। वैसे ये जो प्रोजेक्ट आज आपके साथ हम करने जा रहे हैं उसके दो पार्ट में, पहला पार्ट है हमारा फॉर्मेटिंग का, दूसरा पार्ट है हमारे फॉर्मूले का। तो हम आपके साथ ये पहला पार्ट ही करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट हम आपको जब फॉर्मूले हम सीख लेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कोई डेटाबेस या कोई ऐसा रिपोर्ट बना रहे हो, तो जो आपका यूनिक आईडी है, जो अगर यूनिक आईडी आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, अगर यूनिक आईडी आपको डालना है तो उसको हमेशा आप जो है फर्स्ट कॉलम में रखें, ताकि आपको वी लुकअप और बहुत जैसे चीज़ों पर आपको दिक्कत ना हो। प्रवीण जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था। अगर आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। फिर नेम, डेट ऑफ ज्वाइन, सुनो, प्रवीण जी आप क्या गेस करते हैं कि किसी भी अटेंडेंस सीट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों डाला जाता है? नहीं, मैं टर्न ओवर देखे क्या करेगा, अटेंडेंस बनाने वाला क्या देखेगा उसका, उसका फायदा वो तो देखेगा ऊपर वाला बंदा ना, जो अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है। पेरोल टीम क्या देखेगी इसकी, क्या बेनिफिट? अटेंडेंस तो पेरोल टीम के लिए बनती है ना, तो पेरोल टीम उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों देखती है? हेमा जी, हैव ए आइडिया? देखिए, आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको लीव की बारे में पता है, लीव कैसे, क्या उसका प्रोसीजर है? तो उसमें क्या होता है ना, होता ना कि 3 महीने तक या 6 महीने तक आपको पेवल लीव नहीं मिलेगा, समझे? उसके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है कि अगर कोई लीव आ गया उसकी ज्वाइनिंग डेट से पता कर ले कि उसका ज्वाइनिंग डेट से ज्यादा तो नहीं है, 3 महीने से कम तो नहीं है, तो उसको पेवल लीव नहीं जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट डालूंगा, जो भी डेट डालना है, जैसे मैं अगर जुलाई का बनाऊँ तो मुझे यहाँ पे जुलाई का 1 से डेट डालूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेट को ड्रैग कर देते हैं। अगर आपको 1 महीने का बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 महीने से ज़्यादा का बनाना है तो दिक्कत हो जाएगा, प्लस प्लस करना मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्लस, यहां पे हाँ इक्वल प्लस 1, और फिर ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग कर दीजिए या फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए।
ठीक है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट महीने अगस्त का रिपोर्ट चाहिए, तो जस्ट 7 की जगह मैं 8 करूंगा, एंटर मारूंगा, पूरा डेट चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस वन किया। फिर मैं यहाँ पे टैक्स फार्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में सिखाया था। इस पर मैं डी 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 3 बार डी डी डालूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये सैटरडे एंड संडे मंडे का डेट जो है वो अपने आप आ जाएगा। और इसको फिर मैं ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे डेट चलू चेंज करूंगा, सारा अपने आप चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सैटरडे एंड संडे, जब मैं सैटरडे एंड संडे करूँ तो ये मेरा नीचे हाईलाइट होना चाहिए, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फार्मूला यूज करेंगे, तो मैंने बताया था जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फार्मूला यूज करें तो हमें यहाँ पे सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल ऊपर, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं सैटरडे एंड संडे, तो और के अंदर में डालेंगे, और ए इक्वल टू सैटरडे है कॉमा ए इक्वल टू संडे, ठीक है। चल सही, हमें डॉलर हटा दिया ताकि रेफरेंस चेंज ना हो। फिर हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और अपनी कलर जो भी चूज करते हो, फॉर्मेटिंग चूज करके हम ओके कर देते हैं, देन ओके। और फिर इसको सिलेक्ट करके बाकी एरिया पे हम कलर कर देते हैं। कलर नहीं हुआ, बताइए कहीं पे मिस्टेक हुआ है, चलिए देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। हमने बोला ओके, हाँ हमारा डॉलर हमने गलत लगाया, हमें डॉलर यहाँ लगाना चाहिए था, इसमें डॉलर नहीं लगता क्योंकि तो कॉलन चेंज हो रहा है, रो तो फिक्स है। एंड ओके एंड अप्लाई, देखा तो सैटरडे संडे कलर हो गया। अब इसको अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम ज़्यादातर जो हमारा अटेंडेंस शीट होता है उसको हम प्रिंट करते हैं, एक पेज पे प्रिंट करते हैं, क्यों? ताकि हम ESI, PF या लेवर विड्रॉ फंड या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। तो प्रॉब्लम है कि ये तो एक पेज पे प्रिंट आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा कॉलम हो गया। अगर मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँ फॉर ऑटो फिट, फिर भी एक पेज पे आना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम करेंगे यहाँ पे मंथ लिखते हैं, मंथ, और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और हो सके तो इसको मैं मर्ज भी कर दूंगा 2-3 सेल में। और इस पे मैं मैं चेंज कर देता हूँ MMMM इक्वल YY। क्या ना सर, थोड़ा सा अंग्रेजी मेरी टाइट है क्योंकि तो मैं राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़ा था। उसके बाद मैं पूरे को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँ, फॉर्मेट सेल, एंड यहाँ पे जस्ट दो बार DD लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेट इन द 01 के फॉर्मेट। हमने MM लिखा फॉर मंथ, DD लिखेंगे फॉर डे, दो बार लिखेंगे 012 के फॉर्मेट में आ जाएगा। देन मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो फिर यहाँ पे अब एक पेज पे प्रिंटेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी अच्छी फॉर्मेटिंग, जैसा फॉर्मेटिंग चूज कर रहे हो आप, फॉर्मेटिंग योर चॉइस है, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो।
सॉरी, इसकी फॉर्मेटिंग आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लें। अब बात आती है कि अटेंडेंस हम लगाएंगे कैसे। मान लो कि आपको अगर 100 लोगों का अटेंडेंस लगाना हो तो आपको कितना टाइम चाहिए, तो कम टाइम में हम कैसे अटेंडेंस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉई कोड लिखता हूँ आपको, मैं एक अटेंडेंस लगाने का तरीका, आप में जो मेरा तरीका है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है हर मंथ के लिए बन गया। मैं यहाँ से मंथ, अब मैं चाहूँ कि अगर मंथ सेलेक्ट भी करूँ तो मैं डेटा वैल्यूएशन में जाके हम यहाँ पे लिस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे ड्रॉप डाउन बन जाएगा मेरे पास लिस्ट। यहाँ पे जैन कॉमा फाइव कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल कॉमा मई कॉमा जून कॉमा जुलाई कॉमा अगस्त कॉमा सितंबर कॉमा अक्टूबर कॉमा नवंबर कॉमा दिसंबर, ऐसे मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह का लिस्ट बन गया। अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ कॉन्करेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके, कि वन डैश और कॉन्करेंट में हम एन परसेंट भी लगा सकते ज्वाइन करने के लिए दो टेक्स्ट को आपस में 2015। अभी जैन नहीं दिख पा रहा, ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि टेक्स्ट में, तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है कि इस पे आप प्लस जीरो कर दीजिए, ये आ गया। अब मैं यहाँ से जैन की जगह पे अगर फैब क्लिक करूँ तो फैब, मार्च तो मार्च, अप्रैल तो अप्रैल, मई मई, इस तरह का जून जून जुलाई, इस तरह फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें हम टाइप कैसे करें, अटेंडेंस कैसे टाइप करें। तो अटेंडेंस आप अगर देखें तो एक दिन में एक बंदे की एंट्री 31 एंट्री करनी होती है आपको, 31 एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें से 8 जो होता है वीक ऑफ होता है। तो वीक ऑफ आपका फिक्स है तो आप लगा सकते हैं। हाँ, ये जो आपने फॉर्मेटिंग की है ना, इससे ऊपर डेज चेंज नहीं हुए? नहीं, चेंज हो रहे हैं। देखिए करिए, देखिए अगर मैं अगस्त करूँ डेट चेंज हो रहा है, तभी तो यहाँ कलरिंग चेंज हो रहा है सर। तो आप अगर जैसे बीकॉफ है आपके पास, तो जैसे कि एक अब मैं कैसे अटेंडेंस लगा रहा हूँ, देखिए मैं सबसे पहले बीकॉफ लगा दिया, फिर इसको कॉपी करके जहाँ जहाँ बीकॉफ है वहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ लीव है, जिस जिसका लीव है मैं ढूंढ ढूंढ के उसका लीव लगा दूंगा, लीव है या एक्स्ट्रा वर्क है या कॉम्पोव है, वो मैं लगाते चला जाऊंगा। मैं एक बंदे का एवरेज मुझे 2 से 3 एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी बंद अगर ऑफिस में देखा जाए तो बंदे एक से एक बंदे का छुट्टी जो है एवरेज 2 या 3 ही होता है महीने का, तो मुझे हर बंदे की बात 2 या 3 एंट्री करनी पड़ेगी। अब बाकी जो ब्लैंक एरिया बच रहा है वो मेरा पी है, मतलब कि प्रेजेंट है। तो मैं एक एक करके प्रेजेंट लिखने के बजाय मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे डेटा को, और फिर मैं कंट्रोल एच फॉर द रिप्लेस, रिप्लेस में जाऊंगा और ब्लैंक को मैं पी से रिप्लेस कर दूंगा, तो एक ही बार में फिल हो जाएगा। तो जिसमें मुझे एक बंदे की जहां मुझे 30 या 35 एंट्री करनी थी, वहां पे उस बंदे की एंट्री मुझे करनी पड़ रही है ओनली फॉर कितना, 2 या 3। आया समझ में, समझ गए इस तरह से।
एक सेकंड होल्ड कीजिए, कॉल उठा लेता हूँ मैं। हेलो, हाँ जी, हाँ सुजीत बात कर रहा हूँ। हाँ पंकज जी, ठीक हूँ, क्लास ले रहा हूँ, कुछ बात है तो कीजिए, बात मत करते हैं। ओके, सॉरी सर, ये समझ में आ गया आपको? तो कहने का मतलब है, जो भी आप काम करते हो उस काम का एक ट्रिक निकाला करो। ट्रिक समझ में, कि उसको कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सर एक सेकंड मुझे दे दीजिए सर, एक मिनट। कोई डाउट है आप लोग को सर? अब जैसे अटेंडेंस की छोटी मोटी चीज़ें के बारे में आपको बता देता हूँ, ये तो आपने लगाना सीख लिया। इसी तरह से आप अपने जो रिपोर्ट्स डेली बेसिस बनाते हैं उसके भी फॉर्मेट, ऑटोमेटेड फॉर्मेट बना सकते हैं, जो कि बार बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। क्योंकि सर आपके ऑफिस का सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना फॉर्मेटिंग में ही जाता है, तो आप फॉर्मेटिंग को इग्नोर करने की कोशिश करें। तो फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट करने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम सेव हो। अब जैसे कि कुछ जो शॉर्टकट्स उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्ञान आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप अटेंडेंस बनाते हैं तो प्रजेंट, प्रजेंट के लिए हम पी डालते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रेगुलर होता है, आर डालते हैं रेगुलर शिफ्ट के लिए, ई फॉर इवनिंग शिफ्ट, एम फॉर मॉर्निंग शिफ्ट, एन फॉर नाइट शिफ्ट। ये वहाँ पे चलता है जहाँ पे आपका जो मान लीजिए कि आपके कंपनी में क्या है कि कन्वेंस फ्री नहीं है। कन्वेंस आपकी कंपनी देती है, आपकी कंपनी कैब देती है, लेकिन फ्री नहीं, उसके लिए आप पे चार्ज करती है। और दूसरी चीज, कन्वेंस जो है सिर्फ आपको नाइट शिफ्ट वाले या मॉर्निंग शिफ्ट वाले या इवनिंग शिफ्ट वाले को ड्रॉप का मिलता है, पिकअप का नहीं मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे सिस्टम है गाँव के अंदर। तो वहाँ पे हुआ कि अगर आपका शिफ्ट रोटेटेड है, आप क्या किया कि 20 दिन आप रेगुलर शिफ्ट थे, 5 दिन जो है आप चले गए नाइट शिफ्ट में, तो आपको कैब चाहिए, तो आपने कैब ले लिया, तो आपका पैसा सिर्फ 5 दिन का ही कटेगा ना। तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि भाई नाइट शिफ्ट है जिसको कैब अलाउ हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट आपस में मैचिंग इसी चीज से करेगा, तो वहां पे चीज डालते हैं। अब बात करते लीव के लिए, तो एल कहीं पे एल यूज होता है, कहीं पे पीएल यूज होता है, पेवल लीव जिसको बोलते हैं। और जहां पे अनपेड लीव होता है वहां पे कहीं पे डब्ल्यू यूज होता है, यहां पे होता है कहीं पे कि लीव विदाउट पे, लीव डब्ल्यू एल डब्ल्यू पी। अब्सेंट की बात करें तो हम ए लगाते हैं, या कहीं पे होता है एनसीएस, नो कॉल एन एनसीएनएस, सॉरी नो शो। और एक रूल ये भी है कि अगर आपका कंटिन्यू 3 लीव लग जाता है तो चौथा आपका जन एवीएस होगा, मतलब कि एब्सकॉन्ट होगा एवीएस, एब्सकॉन्ट एक एक नहीं दो है, एब्सकॉन्ट कहलाता है, ठीक है, एवीएस फॉर एब्सकॉन्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, कॉम्प ऑफ, जहाँ पे जैसे कि कॉम्प ऑफ में कहीं पे वाई डलता है, कहीं पे आपका सी एम पी डलता है। लेकिन ये जो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो मैनुअल पेरोलिंग करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के चीजें यूज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सॉफ्टवेयर के जरिए पेरोलिंग होता है वहाँ पे आपका एक सिंगल करेक्टर ही यूज किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जो आप लोगों को करना है। अब ये आपको जल्दी नहीं कि आप कल ही करके दो, आप अपने हिसाब से करके दीजिएगा। तो इसमें आपको जो काम मिलने वाला काम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जुलाई के बाद ये देखिए जून में आपका 30 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये फालतू नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपने स्किल से या R&D करके आप लोग कुछ इसमें एडिटिंग कीजिए इस फाइल में, जो कि एंड ऑफ मंथ तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़े, ठीक है। तो आप फॉर्मेटिंग कुछ ऐसा कीजिए जो कि आपका यहाँ इससे आगे अपने आप हिडन हो जाए, फॉर्मेट भी और आपका डेटा भी, ठीक है। ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग इस पर इस तरह काम करके मुझे भेजिए।
फिर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं आगे चल के बताऊंगा। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे कि एंड ऑफ मंथ और इफ, ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे, तो आप लोग करने की कोशिश करें। मैं इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आपको कल ही करके देना है, आप आराम से इसको सीख के करके दीजिए। ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर दे रहा हूँ, ठीक है प्रवीण जी? कोई डाउट? हेमा जी समझ में आया? करना क्या, समझ में आ गया आपको? ये फाइल मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग और पिछली रिकॉर्डिंग भी आपको मैं देता हूँ। हाँ मेल आईडी आपकी चेंज हो गई सर, मेल गई है ना आपको सर अभी? ये है ना आपकी मेल आईडी? ये देखिए यही मेल आईडी, मेल है ना आपकी? प्रवीण जी ओके, एक मिनट सही कर, इसलिए मेल नहीं गई है। PAR अब सही है? ठीक है, ये भेज रहा हूँ, ये फाइल भेज रहा हूँ। ठीक है तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय।